आप लोगों ने वादा किया था कि आप मेरी मदद करेंगे, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है। फ्रेंच ने जो रकम मांगी है वो बहुत ज्यादा है। अगर हम आपको इतनी रकम दे दें तो गालिब साहब और डेलीगेट दोनों ही हमें दुश्मन समझेंगे। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मदद की बात कर रहा हूँ। मैंने बैंक से मामला सेटल कर लिया है, लेकिन कोई वाउचर देने वाला नहीं। उनको बैंक के बारे में भी पता चल जाएगा, वो इसे राज नहीं रखेंगे। अदीब साहब हमारे दोस्त थे, लेकिन अगर हम पैसे देंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी जहमत बन जाएगी। तो क्या आप लोग वाउचर देंगे? हेलो यंग लेडी, इतना भारी सामान ले जाना मुश्किल नहीं होगा? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं चली जाऊंगी। चलो आओ बैठो, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूं। आ जाओ, डरो नहीं, जरा मदद करना। आ जाओ, शाबाश। तुमसे एक बार फिर मिलकर खुशी हुई मुझे। मुझे तुमसे दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है तुम्हें उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तुम अब अपनी जिंदगी में खुश हो? मेरा मतलब अजीज के साथ। मैं खुश हूं और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे अपनी शादी में बुलाओगी। ये बताओ तुम्हारा पांव कैसा है, ठीक हुआ? ठीक है, चल फिर सकती हूँ अब। मुझे यकीन है कि वो तुम्हें परेशान कर रहा है। क्या तुम अब भी उस बदमाश के बारे में सोच रही हो? बात सुनिए, मैं थक गई हूं, अब मुझ पर राज करना बंद कर दीजिए आप। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हें पता है जिंदगी क्या चीज होती है? अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? चलो मेरे साथ। छोड़िए अम्मी। चलो सफा, तुम हट जाओ यहाँ से, अब यहाँ की सफाई ये करेगी। क्या मतलब है आपका, मैं क्यों करूँगी? आप करना क्या चाहती हैं? मैं बस तुम्हें वो जिंदगी दिखा रही हूँ जो तुमने अजीज के साथ अपने लिए चुनी है। ये सब कुछ अजीज तुम्हें दे सकता है, उस जिंदगी में जो तुमने अपने लिए पसंद की है। कोई तुम्हारे सामने खाना पेश नहीं करेगा और तुम्हें ये सब कुछ खुद करना पड़ेगा। सोच क्या रही हो, जाओ जाओ करो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तुम्हारा हाथ इसमें पूरा डूबेगा। उस वक्त तक तुम साफ करोगी जब तक तुम्हारे हाथ में जख्म ना पड़ जाए। अजीज तो गरीब है, अजीज के साथ तुम जो रास्ता चुनोगी उसमें ये सारी मुश्किलें होंगी। पूरे दिन मेहनत के बाद तुम एक खराब सेब तक नहीं खा सकती। अगर तुमने उस आदमी को चुना तो तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गुर्बत और मुश्किलें होंगी और कुछ नहीं। सिफा, दिलरुबा पूरा घर साफ करेगी, अगर तुमने मदद की तो अच्छा नहीं होगा।
मैं जानता हूँ बेटा, चलो चलकर बात करते हैं। सर ये सब क्या है, ये क्या कर रहे हैं? ये तो जुल्म है हम सब पर। बेघर कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत अरसे ज्यादा नहीं हुआ। फिर किससे पूछें? हमारे बच्चे हैं यहाँ, उन्हें लेकर कहाँ जाएं? क्या करेंगे हम लोग? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो ऑर्डर्स मिले मैं वही कर रहा हूँ। मैं अपना घर बार छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं भी अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि कोई नहीं जाएगा। हटो, सामने से घर जा रहा हूं मैं, जाने दो मुझे।